अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है। आज का जो इनवान है, एक यहूदी का लड़का जिसका मैंने कल जिक्र किया था, एक यहूदी का लड़का था जो मेरे सरकार पे कुर्बान हो गया था। जब भी सरकार आते जाते उस सरकार को देखते रह जाता, चोरी से देखता, छुप छुप के देखता, दूर से दराज से देखता करता था। तो वो बच्चा बीमार पड़ गया, इतनी बीमारी आ गई थी वो बदल के लड़के को कि वो बस उसके चंद सांसें रह गए थे। तो उसने अपने वालिद साहब को कहा, जिससे यहूदी जो थे वालिद साहब, बोला कि अबू उमर को एक लाश ख्वाहिश है मेरी। तो बोले कि क्या ख्वाहिश है बेटा? तो बोले कि आप ना ना करेंगे? बोल बेटा, मैं कर दूंगा तेरी ख्वाहिश क्या है। तो बोले कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना चाहता हूँ, एक बार उन्हें बुला लूँ। यहूदी बहुत नाराज हो गया, गुस्सा आ गया उसका। तो क्योंकि इसका आखिरी वक्त था, यहूदी गया जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पारगाह में गया, बोला कि मेरा लड़का आपको देखना चाह रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए तो गैब की जानने वाले थे, उसके पास आए, करीब आके देखे, देखना था। वो सरकार को देखा, मुस्कुराया, सरकार कलमा पढ़ा उसको, और कलमा पढ़ा और जान निकल गई। सरकार से इतनी मोहब्बत थी कि यहूदी का लड़का सरकार को आते जाते देखता था, इतना देखता था कि मुतासिर हो गया मेरे साथ, इतनी मोहब्बत। सलातन तो इश्क वाबस्तगी ईमान के अलावा, अभी वहां से खत्म नहीं हुआ। यहूदी बोला कि आप ये लड़के को आप ले लो, आपके सुरपुर आप सलातन उसको लेके साहबा रिजवान को बोले कि क्या चलो इसको मिलाओ दिलाओ, उसको कफन पहनाओ, ये आशिक है मुस्तफा, सरकार से चाहने वाला। अभी इश्क, अभी ये वाक खत्म नहीं हुआ, जब मिलाए जुलाए दफनाए लगे, लेके जाने लगे। तो आप सलातन अपने अंगूठे के बल, यानी उंगलियों के बल चलने लगे। साहबा रिजवान से परेशान हो गया, इस तरह क्यों चला गया? तो बोले कि आसमान से फरिश्ते आ रहे हैं, जग्गा भर नहीं है बल्कि बल। फिर मजार के पास ले गए और तकसीम कर दिए। काफी देर हो गई, साहबा खड़े रहे खड़े रहे खड़े रहे, फिर खबर बना देकर आप वहीं खड़े रहे। फिर थोड़ी देर के बाद वापिस आए आप साहबा, कितने यारसलम इतनी देर लग गई सरकार। तो बोले कि हाँ, जब फरिश्ते आए, फरिश्तों का जवाब देने के लिए आया। तो मेरे सरकार से मोहब्बत ईमान की अलामत है, मगफिरत करा दे। सरकार से मोहब्बत करो, दुनिया से मोहब्बत करने से कुछ फायदा नहीं होगा, दुनिया एक दिन खत्म हो जाने वाली चीज है। करो तो ऐसा इश्क करो जो खयामत के बाद भी, जन्नत में मरने के बाद भी खबर में काम आएगा। ऐसी मोहब्बत करो, सरकार से मोहब्बत करो। और कोई चाहता है कि मैं सरकार से मोहब्बत करना चाहता हूँ तो दर्द पढ़ो, सलाम पढ़ो, देखो तुम्हारे से उनसे इश्क वाबस्तगी कैसी आ जाती है। खुद ब खुद यहाँ से जब आप पुकारेंगे वहां आपके पास पहुंच जाएगी। आशिक मुस्तफा है चला, दर्द सलासलम पे दर्द सलाम पढ़ो। और यहाँ तक कि इश्क मोहब्बत ऐसी हो जाती है कि हुजूर पाक सलासलम खुद उसके पास आ जाते हैं, ख्वाब में खुद आ जाते हैं, आकर उसको अपना दीदार अता करना। सरकार से मोहब्बत करो, ये दुनिया फना हो जाने वाली, दुनिया की हर चीज फना हो जाएगी। अगर जात बाकी रहेंगी तो अल्लाह की जात और उसके रसूल सल्लम की मोहब्बत जो दिलों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकर हम इस दुनिया से कुछ होंगे, खबरों में भी काम आएंगे। तो इंशाल्लाह ताला आशिक के मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टॉपिक चलेगा। नमाज के तारुक एक लास्ट बात बोल के खत्म कर दूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें फजर में नमाज नहीं उठना, नहीं उठ रहा हूँ, फजर को नहीं उठ सकता। तो उनको मैं एक बड़े बुजुर्ग, वो हमारे जो बड़े लोग बोलते थे ना, वो फार्मूला दे रहा हूँ। ये फार्मूला अपनी औलाद को भी बोलना और खुद भी अप्लाई करके देखना, अपनी जाहिर हयात करना क्या होगा। फजर की नमाज के लिए उठने का नहीं उठ सक रहे हैं तो अपना जो तकिया है ना, वो तकिए के ऊपर तीन बार मारना, बोलना फजर को उठा बोलना। ये फार्मूला अहम फार्मूला है, यूज करके देखना। फजर की अजां या फजर का वक्त के वक्त बरबर वो तकिया तुम्हारे को उठाएगा। चैलेंज कर रहा अब्दुलरहमान, ठीक है ना? जजाकल्ला, नमाज को कायम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।